आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी मोदक की रेसिपी लेके आई हूँ। ये एकदम नए स्वाद वाले मोदक हैं, बहुत ही आसानी से आप इसे घर में बना के तैयार कर सकते हैं। तो आइए बिना देर किए शुरू कर लेते हैं मोदक की रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम पनीर ली है और ये एकदम ताज़ी पनीर आपको लेनी है। जितनी फ्रेश पनीर लेंगे उतनी अच्छी आपके मोदक बनेंगे। तो 200 ग्राम पनीर को ये देखिए मैं ऐसे ही रफली कट कर लूँगी क्योंकि इसे हमें ग्राइंड करना है, तो रफली ही आप इसे काट लें। तो ये देखिए मैंने इसे काट लिया है, अब इसे ग्राइंडिंग जार में शिफ्ट कर लेंगे और इसे पल्स देते हुए एकदम स्मूथ कर लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। उससे क्या होगा कि ये जो पनीर है एकदम स्मूथ हो जाएगी और बहुत ही अच्छे मोदक बनेंगे। ये देखिए इसे मैंने ग्राइंड कर लिया, अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसे हम कप से नापें तो 1 कप होगा ये पनीर का ये जो मिक्सचर है। तो अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1/2 कप मिल्क पाउडर। अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो आप यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट या नारियल का बुरादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मिल्क पाउडर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी। इसमें चीनी बहुत ही कम लगती है, ये हल्का मीठे बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो 3 टेबल स्पून सफिशियंट है। ये देखिए अब एक नॉन स्टिक कढ़ाई मैंने गैस पे चढ़ा दी है, 1/2 टेबल स्पून देसी घी उसमें ऐड कर दी है। अब ये तीनों चीज़ लेके हम कढ़ाई में पलट देंगे और इसे लो फ्लेम पे ही हम इसे भूनेंगे। लो फ्लेम पे ही आप याद रखें, तो शुरुआत में आप देखेंगे कि मिक्सचर जैसे ही गैस ऑन होगी तो थोड़ा ढीला होगा, उसके बाद धीरे धीरे ये अपने आप थोड़ा ड्राई होने लगेगा। तो शुरुआत में आप देखिएगा कि ये एकदम ये थोड़ा ढीला होगा। तो यहाँ पे फ्लेवर के लिए मैंने 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड कर दी है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर मिलेगा रेसिपी को। तो ये देखिए अभी ये कैसे थोड़ा ढीला हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे तो ये अपने आप धीरे धीरे एक जगह कलेक्ट होने लगेगा। ये देखिए इसे पकने में एकदम भी ज़्यादा समय नहीं लगता है, 7 से 8 मिनट में ये एकदम अच्छे से पक जाता है। उससे ज़्यादा आपको एकदम नहीं पकाना है, बस ये एक जगह कलेक्ट हो जाए उतना ही आपको इसे पकाना है। ये देखिए कैसे एक जगह कलेक्ट हो गया है 7 से 8 मिनट में। तो तुरंत इसे एक प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे, ज़्यादा एकदम ओवर कुक एकदम ना करें। तो ये देखिए इसे मैं एक प्लेट में शिफ्ट कर लूँगी और 5 मिनट के लिए थोड़ा सा इसे ठंडा होने देंगे हम। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इसमें थोड़ी सी सूखी हुई गुलाब की पत्तियाँ ऐड कर देंगे और 1 टेबल स्पून बारीक कटे हुए पिस्ते ऐड कर देंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर मिलेगा। इसको मिक्स कर लेंगे। अभी ये देखिए थोड़ा ढीला है तो इसे मैं फ्रिज में 20 मिनट के लिए रख दूंगी। इससे क्या होगा कि ये अच्छे थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। ये देखिए इसे मैंने 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखा है तो ये थोड़ा टाइट हो गया है। तो अब यहाँ पे मैंने मोदक मोड़ लिया है, इसे देसी घी से ग्रीस कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से इसे बंद कर लेंगे और ये फिलिंग लेके हम इसमें अच्छे से प्रेस करते हुए फिल कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से आप प्रेस करें और इसे फिल कर लें। ये देखिए कितने सुंदर मोदक बनके तैयार हैं और ट्रस्ट मी इसका टेस्ट एकदम बहुत ही अमेजिंग होता है। जिसको कम मीठा खाना पसंद हो उसको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। बप्पा के भोग के लिए आप अलग अलग तरह के मोदक बनाएं, मैं आपके लिए रेसिपी लेके आती रहूँगी। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और आपने देखा ना सारी सामग्री बहुत ही इजीली अवेलेबल है और बहुत ही कम खर्चे में बहुत ही शानदार मोदक बनके तैयार हो जाते हैं। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें।